बड़कागांव प्लस टू उच्च विद्यालय बड़कागांव में नवोदय विद्यालय वर्ग के 6 के लिए 2021 प्रवेश परीक्षा आज 11 अगस्त को ली गई, जिसमें 332 छात्राओं को शामिल होने थे, जिसमें 162 छात्र छात्राएं ही शामिल हो पाए, जिसमें 170 छात्र छात्राओं कोविड-19 के चलते अब्सेंट रहे। उक्त जानकारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी घनश्याम साहू ने दी है। बड़कागांव अंतर्गत आदर्श गुरु चट्टी निवासी मुखलाल महतो 53 वर्ष की लाश कदमाडी नदी स्थित शमशान घाट के पास बीच नदी में तैरता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। अंतिम संस्कार आदर्श गुरु चट्टी शमशान घाट में किया गया। लाश को लेकर पुलिस जाँच में जुट गयी है। अंतिम संस्कार में सहेश कुमार, किशोर कुमार, झम्मन महतो, अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार, जयशंकर महतो, कुलेश्वर कुमार, धूपन महतो, मीनू कुमार, जय हिंद महतो, बीगल महतो, लाल किशुन महतो, मीठू महतो, मिश्री महतो के अलावा कई लोग उपस्थित थे। बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बड़कागांव से हजारीबाग जाने का मुख्य पथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सामने से जाने का सड़क नरसिंह मार्ग तक बहुत ही दिनों से सड़क जर्जर था। उस पर किसी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं, उस पथ से आने जाने वाले राहगीरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क से कम 100 से 200 राहगीर आना जाना करते हैं। सड़क जर्जर हो जाने के कारण ना मोटरसाइकिल सही तरीके से चल पाती है और ना ही आम पब्लिक का आना जाना कर पाते हैं। इसे देखते हुए कुछ वहां के माननीय ग्रामीणों ने युवा समाज सेवी जिला अध्यक्ष शाहिद उर्फ सोनू को जानकारी दी। सोनू को जानकारी मिलने के बाद तुरंत वहां पहुंचकर जर्जर रोड को बनाने का काम किया। अपने निजी आर्थिक एवं शारीरिक की मदद से 2 किलोमीटर रोड को खराब पड़ी थी, उसे तुरंत बनवाने का काम किया। मौके पर बधाई देने वालों में से प्रमोद कुमार संतोष कुमार राम, पवन कुमार राम, मुरली कुमार मनोज, विकास कुमार आदि लोग उपस्थित थे। बड़कागांव प्रखंड के सकरी पंचायत में युवा समाज सेवी सह जिला अध्यक्ष शाहिद उर्फ सोनू मृतक के परिवार से मिले। पिछले दिनों में पंचायत के 2 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिजन से मिलने पहुंचे। युवा समाज सेवी सह जिला अध्यक्ष शाहिद उर्फ सोनू मिलकर उस परिवार को संतोषजनक बातें करके भरोसा दिलाया। इसकी जांच पड़ताल बहुत ही नजदीकी से की जाएगी। मृतक सिकरी निवासी राहुल प्रसाद की मृत्यु घटना या दुर्घटना इस बात से पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच प्रशासन के द्वारा की जा रही है और संतोष भाई को इंसाफ दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मुझे बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना दर्दनाक हत्या के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसकी घोर निंदा करता हूं। बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय सभागार बड़कागांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों के साथ विशेष बैठक की गई। वीडियो ने बारी बारी से सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान पोटका पंचायत की पंचायत समिति सदस्य सुमन कुमारी के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनके आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा 15वीं वित्त से होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। प्रमुख राजमुनि देवी ने कहा कि सभी मिलजुल कर प्रखंड का विकास करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से उप प्रमुख राम प्रसाद महतो, ब्लॉक स्टाफ आशीष कुमार, मोहम्मद खुर्शीदार महतो, कान्हुमान जी आदि उपस्थित थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट।